ओरछा के जसराना बॉर्डर पर लूट के मामले में पुलिस अधीक्षक की कार्यवाही, ड्यूटी में लापरवाही के चलते मुख्य आरक्षी 221 प्रताप सिंह को निलंबित करते हुए अन्य दो होमगार्ड 260 भारत सिंह और होमगार्ड 564 राम खिलाड़ी के खिलाफ रिपोर्ट उनके कमांडेंट को भेजी गई है। थाना प्रभारी ओरछा ओम प्रकाश सिंह व चौकी इंचार्ज मोहकमपुर साहब सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जाँच खोल दी गई है। जाँच पूरी कर रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सर, वही हम 6-7 महीने से आपके कार्यकाल की बात करें तो अगर कहीं भी कोई भी हीला हवाली होती है तो आप तत्काल पुलिस विभाग से कार्रवाई करते हो, और दो त्योहारों के मद्देनज़र आपने आगाह भी किया, वही पिकेट न हुई है जिसमें कुछ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, पूरा मामला नहीं। अब जो बैकग्राउंड उठाया वो तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब इस पॉइंट का जो प्रकरण है जिसके लिए मैं आया हूँ मौका मुआयना करने, वहाँ पे जो जानकारी मिली है कल देर रात करीब 11 से 12 के बीच में, जब यहाँ काफ़ी सुनसान रहा कल, तो एक व्यक्ति जो जसराना से अपने रिश्तेदारी से घिरोर आ रहे थे, उन व्यक्ति का नाम अमित है, उनके साथ यहाँ पे 3-4 लोग पहले से यहाँ मौजूद थे, उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। 10,000 रुपये लूटे जाने की बात वो उन्होंने लिख के तहरीर में दिया है, उनकी तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है और विवेचना शुरू कर दी गई है। रही बात ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अमूमन पुलिस की पिकेट रहती है, लेकिन जानकारी करने पे आया कि ड्यूटी लगाए जाने के बाद भी यहाँ पे एक हेड कांस्टेबल और दो होमगार्ड्स की ड्यूटी बता रहे हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे और उसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ बहुत लोकलाइट कोई होंगे जिनको जानकारी है कि अमूमन यहाँ पुलिस रहती है और आज नहीं है, उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने और उसको अंजाम दिया है। सीओ से रिपोर्ट ली गई है कि यहाँ पे किन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, उसमें ड्यूटी में लापरवाही पे कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज जो मोहकमपुर के हैं उनकी कार्यप्रणाली के विषय में भी प्रारंभिक जांच कराई जाएगी, और टीमें बनाई गई हैं, 3 टीमें बना दिए हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करके जो भी दोषी होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।